गोवा की श्री दत्त पद्मा पीठ के पीठाधीश श्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद ने कहा है कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में शिक्षा के संग संस्कार भी मिलते हैं। यूं तो देश में और भी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन TMU की मिसाल बेमिसाल है। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन के बारे में काफ़ी सुना था और जैसा सुना था उससे भी अधिक पाया। कुल अधिपति से मिलना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी में बिना किसी भेदभाव के ज्ञान की गंगा का अविरल प्रवाह हो रहा है। अंत में उन्होंने कुल अधिपति श्री जैन को शाल उड़ाकर रुद्राक्ष की माला पहनाई। साथ ही उन्होंने अपनी अंग्रेजी की पुस्तक एम्बेसडर ऑफ पीस भी उनको भेंट की। इस मौके पर ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, उनके सुपुत्र अक्षत जैन के अलावा महंत श्री के संगाए आधा दर्जन से अधिक विद्वानों की गरिमामयी मौजूदगी रही। इनमें दिल्ली के दिगंबर समाज से श्री मनीन्द्र जैन भी शामिल थे। कुलाधिपति कार्यालय में पीठाधीश श्री सदगुरु ब्रह्मेश आनंद ने अपने आशीर्वचन में कहा कि पुरातन काल से ही भारत दुनिया में ज्ञान का सिरमौर रहा है। भगवान महावीर की कृपा से TMU भी नालंदा तक्षशिला सरीखे विश्वविद्यालयों की राह पर चल रहा है। दरअसल उत्तम संस्कारों का स्रोत उत्तम शिक्षा ही है। इसे TMU बखूबी निभा रहा है। इसके मूल में कुल अधिपति के संस्कार हैं, जिनको जैन परिवार के साथ साथ यहाँ के हजारों छात्र और अनुभवी गुरुजन सींच रहे हैं। कुल अधिपति का इस उम्र में भी समर्पण देखकर मैं अभिभूत हूँ। समाज सेवा और शिक्षा सेवा के प्रति उनके जोश और जुनून को देखते हुए सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजे। TMU को शिक्षा पीठ की संज्ञा देते हुए बोले, मैं आशान्वित हूँ कि यह यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा की बुलंदियों को छुए। बड़ा नाम सुना था तीर्थंकर यूनिवर्सिटी जो यहाँ खड़ी है, तो एक बार यहाँ आकर इतना उच्च शिक्षा का जो माहौल यहाँ खड़ा हुआ है, जिसकी जो नींव है वो शिक्षा है और जीवन जो हमारे मानव का है उसकी मूल शिक्षा होने के कारण मनुष्य तभी मनुष्य बन सकता है जिनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है। शिक्षा एकेडमिक भी हो सकती है और संस्कारों की भी हो सकती है। उत्तम संस्कार जो हैं वो उत्तम शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ जिनके फैमिली में, जिनके मूल में इतने अच्छे संस्कार हैं, वही इतना बड़ा माहौल जो है वो शिक्षा का खड़ा कर सकता है। और दुनिया को मालूम होना चाहिए कि विश्व में हमारा देश जो है, भारत देश, वो ज्ञान के लिए ही सर्वप्रथम पुरातन काल में से आज तक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े बनी थी, जो तक्षशिला हो, नालंदा हो, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी यहाँ थी, और बाहर से लोग जो है वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो ये जो यहाँ इतना माहौल, सुंदर माहौल हमारे जैन जी के पूरे परिवार से यहाँ बना हुआ है, तो ये शिक्षा का वरदान इस देश को पहले से ही प्राप्त है, उसको और फैलाने का काम हमारे जैन जी के परिवार ने किया है। पूरे जैन समाज की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। अपितु हम चाहते हैं कि उनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी इस काम के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ भेद यहाँ मैंने देखे नहीं, अपितु सबके लिए उन्होंने अच्छा माहौल यहाँ बनाया रखा है। सबके लिए प्रेम, सबके लिए आदर उनके मन में है, और इतनी आयु में भी खुद सब वैयक्तिक स्तर पर वो काम करते दिखे हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम गोवा से आए हैं, श्री दत्त पद्मनाभ के पीठाधीश्वर हैं, तो यहाँ आकर बस इन्हीं को मिलना था, उनका कार्य जो है देखना था, और प्रत्यक्ष कार्य देखने के बाद हमारा आनंद जो है वो और द्विगुणित हो गया है। इसीलिए, क्योंकि हमारे देश ज्ञान की परंपरा लेकर शुरू हुआ था, तो आज भी वो ज्ञान की परंपरा हमारे जैन जी के माध्यम से चल रहा है। यहाँ हमारे भाई और बीच में बैठे हैं जो जैन समाज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
और इनका जो कार्य है वो सबको जोड़ना, संस्कारों से लोगों को एक करना, यही उनका बड़ा काम है। जो हमारे महावीर जी का कार्य है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इन्हीं पैरों पर ये खुद चलते हैं और दूसरों को चलने को सिखाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से यहाँ आना हुआ। हम बड़े आशीर्वाद प्रदान करते हैं इस कार्य के लिए। ऐसे यूनिवर्सिटीज दुनिया में सब जगह पर फैले और संस्कार और शिक्षा साथ साथ देने की जो परंपरा हमारे देश में चली आ रही थी वो अबाधित रहे और ऐसे फैले, यही कामना के साथ भगवान महावीर श्री के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इनको सदा लंबी आयु मिले, तरक्की मिले इस यूनिवर्सिटी को, और सच्चे दिल से ये विद्या का पीठ, विद्यापीठ के रूप में आगे जाए, ऐसे हमारी प्रार्थना और आशीर्वाद।